SBS News, सच का साथी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के धरना स्थल पर, जहां पर उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, जो वह इस वक्त भारी संख्या में आ करके धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा है। किस लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हम लोग यहाँ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हम लोग स्वित्त पोषित शिक्षक हैं, महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई सेवा नियमावली नहीं है, जबकि हम लोग UGC के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी सेवा नियमावली नहीं है जिससे हम सेवा हमारी सेवाएं सुरक्षित रह सकें। जब मैनेजर चाहते हैं हमारी सेवाएं ब्रेक कर देते हैं, या वेतन को लेकर बड़ी विसंगतियां हैं। वेतन कितना मिल रहा है अभी? वेतन हम लोगों को 8-10 हज़ार रुपये मिलता है, और जबकि UGC के अनुसार हमें जो पे स्केल है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम वही योग्यता रखते हैं, चयन समिति के माध्यम से आते भी हैं, लेकिन वो हमें नहीं देते हैं और बहाना लेते हैं कि ये प्रबंध तंत्र, सरकार बहाना लेती है कि ये प्रबंध तंत्र का हिस्सा है, वो उनकी आय से वो अपना देते हैं, जबकि उन्होंने अपना एक जियो दे रखा है कि 80% सकल आय का इन शिक्षकों में वितरित होगा, लेकिन वो वितरित नहीं हो रहा है। तो शासन प्रशासन के किसी आला अधिकारी के पास आप गए? हाँ, बिल्कुल गए हैं। राज्यपाल जी से भी कई बार भेंट हुई है, मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई, उप मुख्यमंत्री जी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे भी कई बार मुलाकात हुई, और इस 1.5 वर्ष में कम से कम उनसे हम लोग 20 बार मिले होंगे। हर बार वो आश्वासन देते हैं, कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई संगठनों के माध्यम से लगातार होता रहता है, लेकिन अभी तक उन्होंने इतने दिन में कभी भी जैसे संज्ञान लेना चाहिए था और जो करना चाहिए था वो नहीं। और किसी मतलब ऊपर किसी मतलब शिक्षा मंत्री से क्या वार्ता हुई थी आपकी? शिक्षा मंत्री से उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी सेवा नियमावली बन रही है और प्रोसेस में है, समय लगेगा। इस बात को कितना समय हो गया? इस बात को कम से कम 1.5 साल हो गए, जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने थे हम लोगों ने तुरंत। तो क्या शिक्षकों का विश्वास शिक्षा पद्धति जो शिक्षा नियमावली है उससे उठता जा रहा है? हमारे पास कोई नियमावली नहीं है, हम क्या विश्वास की बात करें, कोई नियमावली नहीं है, बस ऐसे ही काम चलाओ उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया है, जबकि UGC की क्वालिफिकेशन ही हम लोगों पे लागू होती है, इसलिए पे स्केल UGC कहता है आपको वही मिलना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति ये, आज हम लोग सांकेतिक धरने पर हैं, एक महीने का समय हम दे रहे हैं, एक महीने में अगर हमारी सेवा नियमावली वेतन, और एक बहुत प्रमुख मुद्दा है EPF का, जो भविष्य निधि है शिक्षकों की, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन कॉलेज अपने हित में लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अंशदान देना पड़ता है, इसके लिए भी एक लड़ाई है। उस भविष्य निधि में हर शिक्षक को 6 लाख रुपए का बीमा होता है, लेकिन वो इस लाभ के लिए कि उनको अंशदान ना देना पड़े, केवल इसके लिए मैनेजर वो खाता नहीं खुलवा रहे हैं, वो EPF का खाता नहीं खुल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, और आगे भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है। डॉक्टर नीरज वाजपेयी, उत्तर प्रदेश स्वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूँ। 2000 से ये महाविद्यालय चल रहे हैं जी, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश तो जारी कर रही है जी, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति और कुल सचिवों के द्वारा इन शासनादेश का कोई अनुपालन नहीं कराया जाता। तो आपका कहना है कि अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्ट है? नहीं, अधिकारी भ्रष्ट है कि नहीं भ्रष्ट है, लेकिन अगर कोई सरकार अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पा रही तो सरकार का फेल्योर है जी। सरकार अपने आदेशों का अगर अनुपालन नहीं करा पा रही है तो निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है, उसके अधिकारी मनमानी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा आज की इस बैठक मनमानी मतलब अधिकारियों को कोई डर नहीं, अधिकारियों को कोई डर नहीं, और उनको अगर नियम बताया जाता है तो ये बताते हैं स्वित्त पोषित तो महाविद्यालय की श्रेणी में नहीं आते। अच्छा, मैंने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से पूछा कि क्या आपके यहाँ जो वैकेंसी आती है उसमें प्राचार्य पद के लिए हम लोग पात्र हैं? मेरे पास वो चिट्ठी रखी हुई है जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि स्वित्त पोषित महाविद्यालय कॉलेज की श्रेणी में नहीं आते। तो ये बताइए, स्वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ क्या करेगा? स्वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ, आज तो मैं क्रमिक धरना दे रहा हूँ जी, बिल्कुल। आज के पश्चात
एक तिथि मेरी तय होगी, हर पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हम लोग कुल सचिव और कुलपति को ज्ञापन देंगे और एक महीने का टाइम देंगे। अगर एक महीने के अंदर मेरी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं किया गया, शिक्षा मंत्री को जो है आपने डेढ़ वर्ष का टाइम दिया था, शिक्षा मंत्री जी से जब मिला जाता है तो वो सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं जी, वो सिर्फ आश्वासन के अलावा बाकी कोई काम नहीं। अगर कुछ काम शुरू भी हुआ था तो अनुदानित महाविद्यालय के सुवित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के संदर्भ में हुआ था, तो लेकिन वो भी लालीपाप की तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि अगर वो उनको मानदेय तय कर देते हैं तो सेम सिस्टम में हमारे टीचर्स और प्राचार्यों की नियुक्ति है, उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए 2019 का चुनाव देख रहे हैं, सिर्फ हमको लालीपाप दिया जा रहा है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर मेरी मांगों पर सकारात्मक पूर्वक कदम नहीं उठाया गया तो 2019 के चुनाव में हम शिक्षक तय करेंगे इस समाज की दशा और दशा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है, युवा हमारे बात छोड़ करके ज्यादा बन करके यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है, ऐसे बैठा के लेना इसलिए यहाँ पर हमारी मांगे इनको पूरा करनी। किस जिले से हैं आप? ठीक है, आप किस जिले से हैं जी? कहाँ से? बहराइच। अच्छा, ये नहीं, ये बताइए ज्यादातर महिलाएं बहराइच से ही हैं क्या? क्या कहना चाह रही हैं आप? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग की योग्यताएं समान हैं, सभी शिक्षकों की समान। क्या योग्यता है आपकी? सभी शिक्षकों की योग्यताएं पीजी होती हैं, सभी समान। सरकार को नहीं दिख रहा है इसलिए हम पूछ रहे हैं क्या योग्यता है आपकी? जी जी ठीक है। जो वित्त पोषित कॉलेजेस की उनकी भी योग्यताएं हैं, ठीक है। वित्त जो है उसके कारण ऐसा ना हो कि उनकी शिक्षा का खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक है, कहाँ से है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रताप, तो देखना यह है कि वर्तमान सरकार उन लोगों के लिए अब क्या करती है। ABPS न्यूज़ से मैं रमाकांत यादव, लखनऊ।